हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास सिक्स का इंग्लिश पढ़ेंगे। लेसन टेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बैम्बो करी, यानी कि बांस की कड़ी। सबसे पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। वार्मर में है, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बो, मतलब क्या आपने कभी बांस से बना हुआ कोई डिश या फिर कोई व्यंजन खाया है। अगर आपने बांस से बना कोई भी व्यंजन खाया है तो उसके लिए आप यस लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं खाया तो आप लिख सकते हैं नो, आई हैव नेवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बो नॉट इवन फ्रॉम अ बैम्बो सूट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बो कैन बी कुक्ड एंड ईटन। मतलब इस पार्ट को पढ़ें और जाने कि बांस के किस हिस्से को पकाया और खाया जाता है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में दिए गए वर्ड मीनिंग को देखेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, आपको इस सब वर्ड का मीनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला वर्ड है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी कि सास। संथाल, संथाल एक जाति का नाम होता है। ठीक है, संथाल एक जनजाति का नाम है। दोस्तों, बैम्बो कड़ी एक लोक कथा है। ठीक, तो यहाँ पे संथाल जनजाति की कहानी दी गई है। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। कुक्ड यानी कि पकाया, कुक का मतलब होता है पकाना और कुक्ड का मतलब होता है पकाया। तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे V3 वाले फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, भर का तीसरा रूप आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, कुक्ड का मतलब होता है पकाया। स्पेशल यानी खास, डिश यानी व्यंजन, वैन मतलब कब, विजिटेड यहाँ पर क्या है, विजिटेड, विजिट मतलब यात्रा करना, विजिटेड मतलब यात्रा किया। कड़ी, कड़ी मतलब होता है कढ़ी, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। पॉइंटेड इशारा की, बैम्बो यानी बांस। डोर यानी कि दरवाजा, नेक्स्ट यानी अगला। लीव यानी कि छोड़ना। रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड मतलब याद किया, रिमेम्बर होता तुम लोग क्या लिखते, याद करना, रिमेम्बर्ड है तुमने लिखा है याद किया। विलेज गांव, रिमूव्ड हटाना, यहाँ पर भी हटाया ही होगा। ठीक है, यहाँ पर रिमूव्ड, ये भर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है, भर्ब का तीसरा फॉर्म है। रिमूव्ड यानी कि हटाया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, हटाना। इसी तरह का आपको भर्ब का चौथा रूप भी देखने को मिलेगा, जैसे कैरिंग, कैरिंग मतलब होता है, कैरी मतलब होता है ढोना या फिर लादना। कैरिंग का हमने लिखा है ढोना या लादना। रीच मतलब होता है पहुँचना, तो यहाँ पे है क्या, रीचिंग। विद, विद यानी कि साथ। शॉक्ड यानी हैरान। शूट, शूट मतलब होता है टहनी, शूट मतलब गोली मारना भी होता है, लेकिन इस स्टोरी में शूट का मतलब होगा टहनी। हाउ यानी कैसे। मैक यानी बनाना। कम आना। हेल्प यानी मदद। चॉपिंग काटना। बॉइल्ड, बॉइल्ड मतलब उबालना, बॉइल का मतलब होता है उबालना, यहाँ पे है बॉइल्ड। लेटर यानी बाद में। हस्बैंड यानी पति। टेस्टेड यानी चखा। एडिड यानी जोड़ा, एडेड मतलब जोड़ा यानी कि डालना। ठीक है, वाटर यानी पानी। स्टिल, स्टिल मतलब अभी तो या फिर तो भी। हार्ड यानी कठिन, हार्ड का मतलब यहाँ पे कड़ा होगा। ठीक है, यहाँ हार्ड का मतलब होता है कठिन, लेकिन इस स्टोरी में हार्ड का मतलब होगा कड़ा। इन लॉज यानी ससुराल वाले। विजिट यानी यात्रा करना। कपल यानी दंपत्ति, जोड़ा या युगल। दे यानी वे लोग। लास्ट, लास्ट मतलब होता है हंसना, लास्ट का मतलब क्या होता है, हंसना। फुलिसनेस मूर्खता। नो, नो मतलब होता है जानना। मेड यानी बनाया गया। फ्रॉम यानी से। टू, TOO, टू मतलब होता है बहुत अधिक, जस्ट जैसे ही। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में और लगभग। मोर MORE, मोर, मोर मतलब अधिक। लेफ्ट फोर, लेफ्ट फोर मतलब होगा के लिए छोड़ चला। लेफ्ट फोर एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फॉल्क टेल, फॉल्क टेल मतलब होता है लोक कथा।
चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ये वर्ड मीनिंग आपको आगे भी काम आएगा और इस चैप्टर के लिए ये बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। आप लोग एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों, ये वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक संथाल दूल्हे के लिए उसकी सास ने एक दिन एक खास प्रकार का व्यंजन बनाया जब वह दूल्हा अपनी सास से भेंट करने के लिए गया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस करी इज डिलीशियस। यह करी तो स्वादिष्ट है। व्हाट इज इट? यह है क्या? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। जब दूल्हे ने पूछा यह है क्या, तो उसकी सास ने बैम्बू डोर यानी कि बांस के दरवाजे की ओर इशारा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन दिस विलेज। जब वह दूल्हा वहां से जाने लगा तो उसको याद आया कि उसके गांव में कोई भी बांस नहीं है। नेक्स्ट है, सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो उसने क्या किया, उसने उस दरवाजे को, बांस का जो दरवाजा था उसके ससुराल में जो बांस का दरवाजा था, उसने उस दरवाजे को उखाड़ा और अपने घर की ओर वो चल दिया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब वो अपने गांव पहुंचा, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कड़ी विद दिस बैम्बू डोर, इस बांस के दरवाजे की कड़ी बनाऊं। सी वॉज सॉफ्ट, वह बहुत हैरान हुई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, मैं इस बैम्बू डोर से कड़ी कैसे बना सकती हूँ। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड। उसने कहा, उस दूल्हे ने कहा अपनी पत्नी से कि चलो मैं इस बैम्बू को, बांस को काटने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। His wife boiled it and boiled it. Later when her husband tasted it, he said, It's too hard to eat. You don't know how to cook. उसकी पत्नी ने उस बांस को उबाला, उसके बाद उसके हस्बैंड ने उसको चखा और उसने कहा कि ये बहुत ही कड़ा है। उसने कहा कि यह बहुत कड़ा है, क्या तुम इसे पकाना नहीं जानती हो। His wife added more water and boiled इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी पत्नी ने उसमें और पानी ऐड किया, उस बांस में और पानी ऐड किया और वह फिर उसको उबाली। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। तो उस दूल्हे ने कहा, यह तो अभी भी बहुत कड़ा है, मैं इसे नहीं खा सकता। नेक्स्ट है, द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। द मदर इन लॉ सेड, Did not you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? यानी कि उसी शाम उस यंग कपल यानी कि जवान दंपत्ति के सास ससुर उनसे भेंट करने के लिए आए। शाम में उस कपल से उनके सास ससुर भेंट करने आए। वे सभी उनकी मूर्खता, फुलिसनेस यानी कि मूर्खता, वे सभी उनकी मूर्खता पर हंस रहे थे। द मदर इन लॉ सेड, सास ने कहा, डिड नॉट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। यानी कि तुमको पता नहीं थी कि कड़ी बांस की नहीं बल्कि बैम्बू सूट यानी कि बैम्बू की टहनी की बनती है, बैम्बू की
डाली की बैम्बो कड़ी बनाई जाती है, ठीक है। और उस दूल्हे ने क्या किया था, बैम्बो डोर यानी कि बांस के दरवाजे की कड़ी बनवाई थी, तो इसलिए उसे उस कड़ी को खाने में बहुत ही कड़ा लग रहा था। और उस दूल्हे ने, उस ब्राइड ग्रूम ने कड़ी बांस के दरवाजे की बनाई थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो कड़ी बहुत ही कड़ा लग रहा था, जबकि कड़ी बांस के टहनी की बनाई जाती है, बांस की डाली की बनाई जाती है। लास्ट में यहाँ पर है संथाल फॉरटेल, यानी कि ये एक संथाल लोक कथा है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।